तो यार मात्र 10 मिनट और लगेंगे। तो यार अच्छी खासी शाम हो गई है और फिलहाल मैं जा रहा हूँ गंगोली हाट की मार्केट एक स्पेशल सा काम करने, स्पेशल से मेहमान के लिए स्पेशल सा गिफ्ट लेने। और एक खास मित्र हैं, कुछ दिन पहले ही वो पापा बने हैं तो उनका लड़का हुआ है। खैर आगे पता चलेगा, फिलहाल मैं गिफ्ट लेके आता हूँ, फिर मिलते हैं। कैनू गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह मेरी काफ़ी जल्दी हो गई है क्योंकि सुबह सुबह आज वैसे कहीं जाना है, टाइटल थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, कहीं जा रहा हूँ नामकरण में, और वो सब बातें बाद में। सबसे पहले तो मैं कहीं जा रहा हूँ अभी, थोड़ा सा छुटुर काम निपटाने, तो वो करके आता हूँ। सुबह की कड़क ठंड है, एकदम पैक हो गया हूँ मैं जाने के लिए, और बाइक से जाना है तो हाथ वाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं सुबह सुबह। तो फिलहाल इन लोगों से तो बाद में मिलाएंगे, पहले मैं अपना काम करके आता हूँ, उसके बाद निकलेंगे आज कहाँ, डोनी। आपकी सुबह हुई, हमारी थोड़ी हुई, हम तो अभी सोएंगे। और सो जाओ भी तुम लोग, आप जाओ तो सही, हम सोएंगे। एकदम सुबह सुबह का टाइम था ना, इन लोगों का उठने का टाइम नहीं था, मैंने तो बोला इनको अभी सोए रहो, इनको नहीं, ये तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो मैं मुझे कब से आप बोलने लगे यार, इतनी रिस्पेक्ट। चलो मैं चलता हूँ, चलता रहेगा तेरा बाबूजू। अरे हेलमेट रोज भूल जाता हूँ यार। चाबी भी तो खुल के जाते हो, चाबी जेब में है। आप कूड़ा भी ले जा रहे हैं? कूड़ा भी दे देना, कूड़ा भी लेके जाता हूँ, ठीक है रे। तो फिलहाल तो मैं आया हूँ सुरखाल, क्योंकि वैसे आना मुझे कल था, कल टुमारो दूध लेने। दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया था हमारा, क्योंकि अब मार्केट का यूज़ करती नहीं है स्नेहा, बोलती है कि मार्केट का नहीं यूज करना है। एक तो काइनो के पीने के लिए, फिर हम मार्केट का तो बिल्कुल ही कभी लिया ही नहीं हमने, तो इस वजह से। और मेरा आज डूनी जाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये निमंत्रण है वहाँ से। मैंने कहा फटाफट सुबह सुबह पहले दूध ले आता हूँ, उसके बाद निकलूँगा 10 बजे तक डोनी को। थोड़ी सी अब धूप सी दिख रही है, अभी तक तो ऐसी ठंड लग रही थी ना। धूप वैसे कुछ असर होता नहीं धूप का वैसे बाइक में, क्योंकि हाथ बिल्कुल चिल्ड हो जाते हैं। यहाँ मेरे ना ग्लव्स भी थे अलमीरा में, फुल वाले ग्लव्स, क्योंकि मैं हाफ यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, फुल वाले मुझे लग रहा है मेरे यहीं हैं, तो वो भी लेके जाता हूँ आज। देखो क्या मस्त मौसम हो रहा है, वीडियोग्राफी के हिसाब से मस्त हो रहा है। बाकी ऐसे बादल वादल लगते हैं आजकल, तो थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है, अजीब लगता है फिर। और हमेशा की तरह ये वाला जो मेन रास्ता है सुरखाल घर तक पहुंचने के लिए, वो मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करता हूँ हमेशा ये वाला रास्ता, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन चुपचाप वाला। घर के अंदर पहुँच जाओ तब पता चलता है कि कोई आया है, ऐसा वाला रास्ता। तो यार मैं पहुंच गया हूँ सुरखाल से फिर से एक बार घर पे, और टाइम अभी क्या हो रहा है, 10 बज गया होगा ना, 10 बजे का लगभग टाइम हो रहा है, 10:30 तक मुझे निकलना है डूनी को। और मस्त क्या झोली भात बनाया है स्नेहा ने नाश्ते में आज, झोली भात, और बाकी लंच तो वहीं होगा नामकरण वाले घर पे। हाँ। तुम लोग नहीं आ रहे हो? सुबह आते यार, हम भी कैसे आए। ले जाओ हमको भी बाइक में, आएगा इनो, आएगा गाइनो भैया है उधर, छोटू छा, छोटू भैया है उधर, ये तू तो दीदी है, दीदी हो गई तू ये। तो फिलहाल झोली बात, उसके बाद सीधे डूनी की ओर निकलते हैं, खा लिनो भूखल। थैंक यू बोलो, मैंने थैंक यू सो मच फॉर दिस डिलीशियस ब्रेकफास्ट। अच्छा बहुत इतनी इंग्लिश कैसे बोल दिया एक साथ में, वो भी एक साथ, इतनी इंग्लिश झेली नहीं जाएगी देर से। चलिए फिर मिलते हैं कहीं आगे। अब तो यार फिलहाल मैं निकल गया हूँ डूनी के लिए, और सामने पे है पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप से पहले टंकी करते हैं फुल, उसके बाद सीधे
धोनी। तो यार मात्र 10 मिनट और लगेंगे, बस 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये जो डूनी का मंदिर है, डूनी के आसपास वाला, यहीं पास में है चौड़ा, और इस मंदिर पे पहुंच गया हूँ। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। ठंड गजब लग रही है भाई, धूप है मस्त वाली, फिर भी लेकिन ठंड गजब लग रही है। तभी मैंने कहा थोड़ा सा धूप सेक लेते हैं। क्या मस्त तो यहाँ से नज़ारे दिख रहे हैं, सन यहाँ पे है, एकदम गजब की धूप पड़ रही है यहाँ पे। बस पहुँचने वाले हैं। तो यार मैं तो पहुंच गया था यहाँ 11:30 बजे। उस टाइम पे तो यहाँ चल रहा था, वही खाना पीना बन रहा था, सारा कुछ डेकोरेट वगैरह हो रखा है, बाकी नामकरण वगैरह सब अंदर चल रहा था। मैं तो ऊपर बैठा ही रह गया। तो फिलहाल नामकरण भी हो गया है, खाने पीने के लिए लोग बैठ गए हैं। थोड़ी देर में मैं भी खाता हूँ। 1:30 बज गए भाई, 1:30 बज गए। थोड़ी देर में मैं भी खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद निकलेंगे। तो काफ़ी सारे ड्रोन शॉट भी हो गए, ऐसे ही मजाक मजाक में काफ़ी सारे हो गए। तो इस साइड ये पूरा खाना पीना चल रहा है इधर नीचे, और यहाँ नीचे चल रहा था नामकरण। अभी तक काफ़ी सारे लोग आ रखे। इधर साइड चल रहा है पूरा खाना पीना, थोड़ी देर में हम भी खाते हैं। तो फिलहाल हम भी कर लेते हैं लंच, उसके बाद फटाफट निकलता हूँ यार। 2:30 बज गए हैं,